मेरा नाम प्रियंका सिंह हुआ। मेरे मम्मी पापा दोनों ही दुनिया में नहीं हैं। मेरा शादी मेरे चचा चाची ने मिलजुल कर किया है। मेरे ससुराल वाले ने जो कुछ मांगा मेरे चचा चाची ने सब कुछ दिया उन लोगों को। उसके बाद मेरे ससुराल वाले ने मुझे मारना पीटना चालू कर लिया कुछ ही दिनों बाद से। उसके बाद मेरा जब मेरा बच्चा पेट में था मुझे घर से फिर निकाल दिए। फिर मेरे चचा चाची ने मुझे भी परवरिश किया। घायल अवस्था में आप बीती बता रही ये विवाहिता समाज के स्याह सच को बता रही हैं। आज भी दहेज रूपी दानव कैसे बहन बेटियों को लील रहा है। विवाहिता के शारीरिक प्रताड़ना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला का नाम प्रियंका सिंह है। घटना सारण जिले के नवडीहा की बताई जा रही है। इस वायरल वीडियो की जांच करने पर मामला विवाह के बाद ससुराल वालों द्वारा अपनी मांग के लिए शारीरिक प्रताड़ना का निकला। आइए आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को फिर से दिखाते हैं। मेरा नाम प्रियंका सिंह हुआ। मेरे मम्मी पापा दोनों ही दुनिया में नहीं हैं। मेरा शादी मेरे चचा चाची ने मिलजुल कर किया है। मेरे ससुराल वाले ने जो कुछ मांगा मेरे चचा चाची ने सब कुछ दिया उन लोगों को। उसके बाद मेरे ससुराल वाले ने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया कुछ ही दिनों बाद से। उसके बाद मेरा जब मेरा बच्चा पेट में था मुझे घर से निकाल दिए। फिर मेरे चचा चाची ने मुझे भी परवरिश किया, मेरे बच्चे को भी देखा। उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर उन लोगों ने मुझे बुला लिया। उसके बाद मारना पीटना चालू कर दिया। उसके बाद उसने बच्चे को छीन लिया। उसके बाद देख ही सकते हैं कि उन लोगों ने मुझे कैसे मारा। उसके बाद जान मारने की धमकी दे रहे हैं कि हम जब भी कुछ करोगी तो जान मार के फेंक देंगे बच्चे को। वैशाली जिले के विदुपुर निवासी प्रियंका सिंह ने काफी पहले ही अपने माता पिता को खो दिया था। 5 साल पहले चाचा चाची ने पूर्व सोनपुर थाना क्षेत्र के चदरिया निवासी अनंत सिंह से उसकी शादी कराई थी। विवाह के बाद से ही प्रियंका को ससुराल वाले रुपए की मांग को लेकर मारते पीटते थे, जिस कारण वो विवाह के कुछ महीनों बाद अपने चाचा के घर विदुपुर जिला वैशाली चली आई। लेकिन कुछ दिनों बाद इसके पति अनंत सिंह ने हाथ पांव जोड़कर वापस ससुराल ले आया। फिर उसके कुछ दिनों बाद वही मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। के बारे में जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ तो SHO सोनपुर को इसके जांच के लिए तुरंत निर्देशित किया गया। SHO सोनपुर ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की तो अभी अपने मायके में थी, तो उससे बात करके बताया गया कि आप जानकारी दें और उसमें हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। जैसे ही इनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर की जाएगी और आगे जो भी जो स्थिति होगी जांच के दौरान जो भी बात आएगी तो जो भी इसके लिए दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें शिकायत ईमेल से भी भेजा है आपको भी, महिला आयोग को कई जगह पर भेजा है, क्या उस मेल के आधार पर भी कार्रवाई की जा बिल्कुल जो जिस आधार से भी सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत ही जाँच करके उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। काफी जख्म नजर आ रहा है इस महिला के सिर पे, चेहरे पे। वो तो जब आगे मामला जाँच होगी और उसके दौरान ही जो भी आएगा तब भी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ससुराल वालों ने महिला के पुत्र को भी अपने कब्जे में रखा था, जिसको पुलिस की पहल पर महिला को सौंपा गया। 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी ससुराल वाले पैसे की मांग के लिए विवाहिता को बांधकर मारते हैं, पीट पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। आज की महिला को अबला नहीं सबला कहा जाता है। महिला की तुलना देवी से की जाती है, लेकिन जब दहेज और पैसों की बात आती है तो वही लोग महिला को बुरी तरह पीटते हैं। इससे पहले महिला के पति के खिलाफ एक किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का मामला भी सामने आया था, जिसकी प्राथमिकी सोनपुर थाने में दर्ज है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।